आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हरियाणा में 159 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति ने यह स्वीकृति दी है। इस क्रम में फसल विविधीकरण के लिए 38.50 करोड़ रुपए देने पर मुहर लगाई गई है। प्रदेश में मक्का उगाने वाले किसानों को 2400 रुपए एकड़ तथा दलहन फसलों के लिए 3600 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का फैसला लिया गया है। वहीं सरकार दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश में जुटी हुई है। राज्य सरकार फसल विविधीकरण पर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि किसान परंपरागत खेती को छोड़ दूसरी फसलों को उगाएं जिससे पानी कम लगे और किसानों की इनकम बढ़े। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 10 जिलों में डेंजा, मक्का और दलहनी फसलों के लिए 50,000 एकड़ जमीन के फसल विविधीकरण की योजनाएं लागू की जाएंगी। फसल चक्र बदलने से भूजल के गंभीर दोहन को रोकने में भी मदद मिलेगी और मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। वही बता दें कि मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए पोर्टल बनाया गया है। किसान स्वच्छा से पोर्टल पर डिटेल अपलोड कर अपनी कृषि भूमि से जल निकासी करवा सकते हैं। इस वर्ष झज्जर, रोहतक, सोनीपत के किसानों की 20,000 एकड़ भूमि को जल भराव समस्या से निजात दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वही बता दें कि सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत मिट्टी की जाँच की जा रही है। किसानों को भूमि की गुणवत्ता के अनुसार खाद, बीज आदि का उपयोग कराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसके लिए 100 मिट्टी जाँच लेबोरेटरी संचालित की जा रही है। इनके माध्यम से अब तक 25 लाख सैंपल लिए गए हैं। वहीं किसान सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से प्रदर्शन प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के किसानों का जोखिम कम करने की कोशिश की जा रही है। कृषि व्यापार उद्यमिता को बढ़ावा देने के माध्यम से खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधियां बनाने के लिए कार्यकारी योजनाएं क्रियावंती की जा रही हैं। इन योजनाओं के लिए प्रदेश की राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति की बैठक में अनुमति प्रदान की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से कृषि की उच्च तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी और किसानों की आय में वृद्धि होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।